हर हर महादेव। आज बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के मैं आ गई। मुझे एक लगा कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेट्स डिस्कस। हम अक्सर जो है ये पूछते रहते हैं कि व्हाट इज एनर्जी एक्सचेंज, और जिसे हम ऊर्जा, हिंदी में अगर कहें तो ऊर्जा स्थानांतरण भी कह सकते हैं। और बेसिकली इसका जो टेक्निकल टर्म है वही है, ऊर्जा स्थानांतरण। और हम सभी जानते हैं कि एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, जैसे कि ट्रांसफर होती है और ट्रांसफॉर्म होती है, एक शेप से दूसरी शेप ले सकती है। ये ऊर्जा की, एनर्जी की क्वालिटी है। और इस जगत में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं उन सब की अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक ऊर्जा है। और स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप में हम सभी चीज़ों को, जो भी आपको व्याप्त दिखता है, जो नहीं दिखता है वो सूक्ष्म है, और जो दिखता है वो स्थूल है। तो जो स्थूल है उसमें भी सूक्ष्म रूप में ऊर्जा विद्यमान है। तो आज का मेन टॉपिक ही यही है कि हम इसे किस तरह से समझें और क्यों आवश्यक है, वो भी मैं बताना चाहूँगी अगर समझ में आए तो। एनर्जी एक्सचेंज वर्ड अक्सर वहाँ यूज होता है, ये स्पिरिचुअल फील्ड के लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हीलर्स हैं या स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं या ऑकल्टिस्ट हैं, क्योंकि वो इस टर्म को बहुत पहले से समझते हैं। ये एक ऐसी टर्म है जो ऑकल्ट फील्ड में बहुत अच्छे से समझी जाती है और इस्तेमाल की जाती है। अभी ये बहुत कॉमन और प्रचलित शब्द भी है, एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज जहाँ पर हमें पैसे का लेन देन होता है, किसी सर्विस के अगेंस्ट में जब आप किसी से पैसा लेते हैं या कुछ और लेते हैं, जो हम बार्टर सिस्टम में भी काउंट करते हैं। पुराने समय में लोगों के, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब करेंसी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में किसी चीज के बदले में हम कुछ बदले में रिटर्न देते थे। ये काफी पुरानी पद्धति है, पुराना सिस्टम है। तो हम बार्टर सिस्टम किया करते थे, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई आपका कुछ काम किया, कोई मजदूर मेरे यहाँ आया या मैं किसी के यहाँ पे कुछ काम किया, तो उनके पास, क्योंकि करेंसी का विकास नहीं हुआ था, तो हम अनाज या जो भी उपलब्ध वस्तु हमारे पास होती थी उसके एक्सचेंज में उससे रिलेटेड उतना मात्रा का या उतनी जो उसकी कैपेसिटी है या उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हम बार्टर किया करते थे। मैंने भी ये बार्टर सिस्टम बचपन में किया है। हमारे राजस्थान में घरों में कुछ जो दिए बनाने वाले लोग हैं वो आया करते थे, वो जो घर घर जा करके दिया दिया करते थे, तो वो पैसे नहीं लेते थे। जैसे कि जो वहाँ पर स्वीपर आती थी हमारे यहाँ बचपन में, जमादार जिनको हम बोलते हैं, गली गली में जाकर के जो सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं इत्यादि इत्यादि, तो अगर हम उनको पैसे नहीं देते हैं तो वो हमसे कहते थे कि आप हमें रोज दो रोटी दे दिया करो, या इसके बदले में आप हमें कुछ और दे दो, महीने में अनाज दे दो। तो दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो उसमें हम उनको अनाज देते थे, या हर घर से वो लोग रोटी एकत्र करते थे, सब्जी लेते थे, या कहीं से दाल मिल जाती थी उनकी सेवाओं के अगेंस्ट में उनको। ऐसे ही मैंने दिए, जब मैं बचपन में दिए लेती थी, तो दिए के अगेंस्ट में मैं, मुझे वो, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती थी, वो बोलती थी घर से जो है तुम मुझे शक्कर दे दो थोड़ा सा, तो मैं उनको कटोरी में शक्कर भर के दे देती थी। वो बता देती थी कि कितना शक्कर इसके लिए लगेगा, शक्कर यानी शुगर, चीनी जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से ये distracting people are there. Wish I could speak something for them. I don't want to waste my energy. I don't want to give them my energy, which is called energy transfer. I don't want to do that to the shitty fucking people. Anyways, so हम लोग ये किया करते थे। अब समय बदल गया और करेंसी का आविष्कार हुआ। अब
उसकी जगह बार्टर सिस्टम की जगह करेंसी ने ले ली, और लोगों की सेवाओं के अगेंस्ट में समय के साथ साथ हर चीज बदलती है, तो बार्टर सिस्टम की जगह जो है वो करेंसी ने ले ली, और करेंसी ऑल्सो इज एन एनर्जी, ओके, वो भी एनर्जी है, क्योंकि आप उसको एक्सचेंज, उसके बदले में आप कुछ दूसरी चीज आप ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ। तो जब आप किसी की सर्विसेज लेते हैं तो वो एनर्जी एक्सचेंज, एक ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। एक होता है जैसे कि आप किसी व्यक्ति के पास गए, अब बहुत से लोगों के अंदर सब मन में सवाल आते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बना के देता है ऑन योर बिहाफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके बिहाफ पे कुछ काम किया, बींग एन ऑकल्टिस्ट मैं आपके लिए कुछ कर रही हूं बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज उसके अंदर है, आप इंजीनियर डॉक्टर एक्स वाई जी हो सकते हैं, मैं ऑकल्टिस्ट हूं, मेरी एक्सपर्टीज उसमें है, तो मैं अपना काम, मेरा काम है किसी चीज को हील करना, किसी नेगेटिविटी को रिलीज करना, नकारात्मक ऊर्जा को बैनिश करना, बैन करना या बाइंड करना या डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय हम एनर्जी को कर नहीं सकते, तो बेसिकली हम उसको ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यहां से स्थानांतरित किया जा सकता है, या फिर उसे किसी और चीज, मतलब आप ट्रांसफॉर्म, इट्स द सेम थिंग। तो इन केस मैं किसी के बिहाफ पे कर रही हूं, या मेरे जैसे कुछ लोग किसी और, आप लोगों के बिहाफ पे अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं जो फिक्स करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में, जो भी आप काम करते हैं, दैट इज दैट दैट एक्सपेक्ट्स एनर्जी। आप कुछ भी किसी भी फील्ड में हो, आप फिजिकल भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी एनर्जी है, वो आप अपनी एनर्जी उसमें डाल रहे हैं, मेंटली भी अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, बोल के भी कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी जा रही है। जो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, आईटी से हैं, वो इस चीज को समझते हैं। बाकी जो लोग नहीं समझना चाहते, कुछ ओपन माइंडेड होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो समझते हैं, जो पॉजिटिव जिनकी अप्रोच होती है, वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो समझते हैं, जो बेवकूफ हैं, डफर हैं, और जो समझना नहीं चाहते, गधे बने रहना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, सॉरी। सो तो ये होता है जब हम किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो हम लोग संकल्प लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट बिटवीन, जैसे जब आप किसी लॉयर को हायर करते हैं तो एक अग्रीमेंट होता है आप लोगों, MOU जिसको कहते हैं, या एक व्यक्ति के साथ में आपका एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट लिखा जाता है, उसको प्रॉपरली लिखा जाता है, फिर पेटिशन लिखी जाती है कि मैं इसके बिहाफ में इस व्यक्ति को इतना इतना दूंगा, या ये दूंगा या वो दूंगा, एक्स वाई जी जो भी आपके बीच में होता है, एनर्जी एक्सचेंज। फिर वो लॉयर आपके लिए पेटिशन दायर करता, पेटिशन दायर करना मतलब कि जज को लिखना, किसी चीज को, उस पूरे केस को लिखना, जो कि स्पिरिचुअल फील्ड में भी सेम किया जाता है, बट ये एक पर्टिकुलर एनर्जी को जो उसमें एक्सपर्ट है। आज जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम उसको उसकी एनर्जी, यानी उसके कर्म, जो उसके कर्म थे वो उसकी एनर्जी थी, तो उस एनर्जी से उसको पहचानते हैं, ये व्यक्ति फलाना फलाना ऐसा था या वैसा था, तो ये उसकी पर्टिकुलर एनर्जी उसके जाने के बाद भी कई वर्षों तक काम करती है, डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का दायरा कितना बड़ा था, तो उतने समय, लंबे समय तक के लिए वो एनर्जी उसकी काम करती रहती है। जैसे कि युगों युगों तक भी कई लोगों को याद करते हैं हम, या कुछ सदियों तक कुछ लोगों को याद करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, डिपेंड करता है कि वो कैसे कर्म करके गए, तो ये उनका एनर्जी जो छोड़ के गए। तो ऐसे ही जब लॉयर जो है वो पिटीशन लिखता है वो जज के सामने, ऐसे ही जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो पुरातन तरीका है, जो तरीका प्रॉपर है, जैसे कि हरिद्वार में, आज का तो मैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरी दादी दादा वहां रहा करते थे, इसीलिए उनका पूरा ब्यौरा वहां पर है, वो हर की पैड़ी पर ही रहा करते थे, कल्पवास करते थे वहां पर हर साल जाकर के माघ महीने में, तो उनका पूरा ब्यौरा है, तो वो पूरा लिखा जाता था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिटीशन, मतलब जहां पर सारी चीजें, पूरे खानदान का आपको फैमिली ट्री भी वहीं पर मिल जाया करता था पिटीशन। अब क्योंकि सब चीजें डिजिटल हो गई हैं, तो हर चीज को डिजिटल किया गया है, समय के हिसाब से सब चीजें बदल गई हैं, पेपर का कंजम्पशन कम हुआ है जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, तब से हम थोड़ा एडवांस होते गए हैं, समय के साथ साथ सब चीजें बदलती चली जाती हैं। आजकल ब्राह्मण जो हैं वो भी एडवांस्ड हैं, वो
फोन पर संकल्प लेते हैं, फोन पर ही आपके लिए कार्य कर देते हैं। तो इस तरह से समय के साथ वो चीज चेंज हुई, तो इसको हम गलत नहीं बोल सकते कि ओ ये चेंज हो गया तो ये गलत है। नो, बट टाइम का काम ही है, समय का जो है, समय को आप रोक नहीं सकते, वो बदलता रहेगा, उसके साथ साथ चीजें भी बदलती रहेंगी, इंसान भी बदलते रहेंगे। 8 फुटे इंसान होते थे, आज 5 फुटे रह गए हैं, आगे जाने वाले आने वाले समय में 3 फुटे रह जाएंगे। तो क्या करोगे, समय का गला पकड़ोगे जा करके? समय के साथ नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। सो अप टू यू, आप चेंज होते हैं समय के साथ या नहीं होते हैं, पॉजिटिव मैनर में। ओके, सो अब पिटिशन की बात करते हैं। पिटिशन जो है, जैसे हम जज के सामने पिटिशन लिखते हैं, ऐसे ही दुनिया का जो जज है वो भगवान है, या वो हायर एनर्जी है जिसमें हमारा बिलीफ है, या एक पर्टिकुलर, जैसे कि सिविल जज होता है, एक सिविल कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट्स, व्हाट डू यू कॉल इट, एक और नाम भी है, कुछ और भी बोलते हैं उसे, खैर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से उसके भी लेवल्स हैं। तो हमारी जैसी पिटिशन है, जिस प्रकार का हमारा इशू है, उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर एक एनर्जी को हायर करते हैं। अब आप अच्छा लॉयर भी हायर कर सकते हैं, हाईली पेड लॉयर भी हायर कर सकते हैं, और एक नॉर्मल लॉयर भी हायर कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। तो जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, ऑकल्टिस्ट हैं, वो भी दे आर द एडवोकेट्स ऑफ द गॉड्स, ब्राह्मण है ये, इनको आप बोलो कि नहीं ये तो होता ही नहीं है, तो आपके कहने से नहीं कि नहीं होता है, एवरीथिंग इज देयर, उसके एविडेंसेज हैं, उसके प्रमाण मौजूद हैं, जो चीजें होती हैं वो होती ही हैं, उनकी एक्सपर्टीज उसके अंदर है, वो रोज उस चीज में उठते बैठते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में गाते हैं, खाते हैं, वो इसी से उनका जीवन है। ब्राह्मण जो वैदिक ब्राह्मण है, वो 24/7 उनके दिमाग में सिर्फ वेदा के मंत्र घूमते हैं, तो दे आर एक्सपर्ट इन दैट। और जो हम मंत्र बोलते हैं उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं कि किस तरह से एनर्जी काम करती है। अब वो पिटिशन लिखेगा, पिटिशन लिख करके उसके बाद में वो उसके केस के अकॉर्डिंगली वो आगे काम करेगा। तो सेम चीज, अब ऑन बिहाफ ऑफ मी, सम लॉयर इज प्रेजेंटिंग माय केस बिफोर द जज। तो वहां पर मैं उसका गला नहीं पकड़ लूंगी कि अरे तू मेरे से पैसे क्यों ले रहा है, तू मेरे से फीस क्यों ले रहा है। तो मेरा लॉयर केस हार भी जाता है, लॉयर केस जीत भी जाता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा लॉयर किया है और कितना उसका एक्सपीरियंस है, कितना वो एक्सपर्ट है। प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि ये जो मैं केस लड़ रहा हूं या मेरा जो लॉयर लड़ रहा है वो एकदम परफेक्ट है। कई बार ऐसा होता है जो सामने वाला होता है, अपोजिशन में होता है, वो ज्यादा भारी पड़ जाता है। तो आप इसमें लॉयर का गला नहीं पकड़ सकते ना जाकर के भाई। तो एनीवेज, हम लोग बात कुछ और कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको दिखा भी देती हूं। औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी पिटिशन डायरी है जिसमें मैं केसेस, मेरे जो क्लाइंट्स, जो मेरे आप उन्हें, मैं उन्हें क्लाइंट्स ही बोलती हूँ बिकॉज मैं अपनी फीस चार्ज करती हूँ, ठीक है। तो जब वो मुझे केस भेजते हैं तो मैं इसके अंदर अपने केसेस दर्ज करती हूँ, लिखती हूँ, और फिर उसके बाद में डेट टाइम मुहूर्त के हिसाब से पूरी पिटिशन तैयार की जाती है। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे ही और भी ऑकल्टिस्ट हैं, करते होंगे, सबके अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग ऑनलाइन कर लेते हैं सारी चीज़ें, मुझे फील, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू फील, तो मैं हाथ से ही लिखती हूँ, मुझे नोट्स में उसको रखना इतना ये नहीं है। हाँ, मेरे बाकी सब चीज़ें जैसे ड्रीम्स हैं, बाकी मैं पोइट्री लिखती हूँ, वो सब मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे कोई केस अपना हैंडल करना होता है तो मैं सारी पिटिशंस इस तरह की फाइल्स में लिखती हूँ। आपने पुराने समय की कहानी सुनी होगी, जिसको मैंने अपने पुराने वीडियोस में उसका एग्जांपल दिया था, कि राजा की जान तोते में, रावण ने अपनी जान नाभि में डाल दी थी, एक ये एग्जांपल्स हैं। तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर, उन्होंने अपनी एनर्जी जो थी, जो जय प्राण शक्ति जो थी, उसे उधर ट्रांसफर कर दिया। चांदनाथ जी थे, वो हर 100 साल में उनकी मृत्यु जब आती थी तो अपनी प्राण वायु को ब्रह्मांड में 10 दिन के लिए स्थापित कर देते थे। आप किसी भी तांत्रिक, पुजारी, ब्राह्मण, भट्ट, शास्त्री जी से जब कोई गंडा ताबीज या पूजा का धागा लेकर आते हैं, वो अभिमंत्रित होता है, वो उस पर मंत्र पढ़ के आपको देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर की, वो ला करके आपने घर में बांधा, तो दैट
एनर्जी इज रिप्रेजेंटिंग हिम, दैट फेलो जिसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है. ठीक है, अब उसने आपको कोई चीज दे दी, वो ऑन हिज बिहाफ दैट थिंग इज वर्किंग. कुछ समझ में आया? तो हम कुछ चीजें बना के अगर भेजते हैं तो वो हमारे बिहाफ पे आपके लिए काम कर रही होती है, बिकॉज हमने अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर की है. अब वो एनर्जी हमें जब से एकत्रित करनी है, तब से एकत्रित करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन. लेकिन यहां पर वो ऑन बिहाफ काम कर रही है. अगर आप वो चीज कर रहे हैं तो वो आपके बिहाफ पे वो एनर्जी, आपने बाहर कुछ मैजिकल ग्लास लगाया या फेंगशुई का आपने कोई आइटम लाके रखा, तो वो एनर्जी काम कर रही है जो उससे रिलेटेड है, प्लस वो आपके साथ मर्ज, आपकी एनर्जी के साथ मर्ज हो जाती है. फिर आप उसे ब्लेस करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके लिए काम करता है. तो ऑन योर बिहाफ, जब आप सो रहे हैं, आपने एक हॉर्स शू बाहर लगा दिया और आप घर जाके सो गए, आपको ये विश्वास है कि वो हॉर्स शू काम कर रहा है. सुपरस्टिशन कैसे आप इसको बोल सकते हैं? बिकॉज आपने अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर की, अपना फेथ वाला जो एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफर किया है, और आपके बिहाफ पे वो एनर्जी वहां काम कर रही है जहां भी उसने आपने उसको लगाया है. एक्सेप्शनल केसेस आर देयर कि कभी वो सब होने के बावजूद चीजें हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता. तो ये मत कही कि अरे ये करने से कोई मरने से डर वो हो जाएगा. क्या कुछ चीजें डेस्टिंड हैं उसको नहीं चेंज कर सकते, बाकी चीजों को आप मैनिपुलेट कर सकते हो. 20% आपकी डेस्टिनी काम कर रही होती है, 80% आपके प्रेजेंट कर्मस काम कर रहे होते हैं, एक्शंस काम कर रहे होते हैं. तो कीप दैट इन योर माइंड. अब ये भी तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है जो मैं यहां से बक 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 कर रही हूं. मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे कई लोग लिखते हैं कि आप आते हो यहां पे सुपरस्टिशन फैलाते हो, क्या अंधविश्वास फैलाते हो? टेल मी व्हाट इज अंधविश्वास, गिव मी द मीनिंग ऑफ दैट एलैबोरेटेड मीनिंग विद द एविडेंस दैट दिस इज अंधविश्वास. हाँ, सो दिस इज आई वॉन्टेड टू से, दैट्स वाई आई केम, कि एनर्जी किस तरह से काम करती है. ऑन योर बिहाफ योर ओन फेथ इज वर्किंग फॉर यू, दैट इज एनर्जी एक्सचेंज. ठीक है, अब मैंने इसको ब्लेस किया, प्रे किया इसके ऊपर, एक्स वाई जी ये कुछ भी हो सकता है, इसको एनर्जाइज किया, ब्लेस किया, प्रे किया, मेरी पिटिशन मैंने यूनिवर्स में भेजी है, जिस पे मेरा विश्वास है मैंने उसको बोला कि मेरे बिहाफ पे प्लीज ये करो. सो देयर आर टेक्निक्स विच यू कैन ओनली लर्न अंडर बोनाफाइड गुरुज. हलवा नहीं है, मुझे गुरु बना, मैं आपका चेला बन जाता हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओ. भैया बैठे ही हैं, वेट ही तो कर रहे हैं, चेले ही तो बनाने हैं भैया, लाइन ही तो लगानी है ना पीछे. Amazing. तो इसको मैंने ब्लेस किया, एनर्जाइज किया, और मैंने इसको खुद पहन लिया, या मैंने इसको उस व्यक्ति को दे दिया जिससे इसकी आवश्यकता है, इस विश्वास के साथ, बिकॉज दैट विश फेथ मूव्स द माउंटेन्स. ओके, तो मैंने इस विश्वास के साथ दैट इट इज गोइंग टू वर्क फॉर दैट पर्सन इन नीड और पर्सन इन क्वेश्चन, देन इट वर्क्स. एनीवेज, देखिए जी, विजय दीक्षित जी, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ इतनी देर से. आपने वीडियो शायद अभी देखा है, आप दोबारा से जाके देखिएगा, मैं हिंदी में ही बात कर रही थी. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई केम अनएक्सपेक्टेडली बिकॉज मुझे लगा आई शुड बी डिस्कसिंग इट. एकदम से मेरे दिमाग में ये मैटर बहुत दिनों से था, लेकिन अभी सडनली क्रॉस हुआ तो मैं आ गई विदाउट एनी इंटीमेशन. सो आई अपोलोजाइज, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फिर बाद में मैसेज करेंगे कि आपने इंटीमेशन नहीं दिया था, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट सीरियसली एंड सिंसियरली. आई होप दिस विल हेल्प यू. एंड मेरा हमेशा से मेरा जो मिशन है वो ये है कि हर व्यक्ति अपने आप खुद कर सकता है. जिसके हाथ में भी आज मोबाइल है वो अपने आप में मैजिशियन है, वो अपने आप में विच है, विजर्ड है, वॉट एवर यू कॉल इट, ऑकल्टिस्ट है, बिकॉज वो सारी दुनिया उसके हाथ में है. तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? बट यस, कुछ चीज़ें अभी भी हमारी पुरातन सिस्टम से ही जुड़ी हुई हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते.
फूल की सुगंध, अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि फूल की सुगंध इसमें से हमको भेज दे। हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में ऐसा हो जाए कि हम फूल की सुगंध भी इसमें से ले पाएं, इसमें से ग्लास निकाल के पी भी लें पानी। क्वाइट पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, सो एनीथिंग इज पॉसिबल, सो दैट कैन हैपन। बट अभी जब तक नहीं है तब तक नहीं है। तो हम क्योंकि प्रेजेंट में जी रहे हैं और इस समय के हिसाब से हम चल रहे हैं, इस समय के हिसाब से हमें चलना चाहिए और चीजें करनी चाहिए। हाँ, हमारे धर्म को, हमारे फेथ, धर्म क्या होता है, फेथ सिस्टम होता है, फेथ इज एन आइडियोलॉजी, और आप इसको जिससे भी जोड़े, और किसी की फेथ को, किसी के फेथ सिस्टम को छेड़ना या उसका अपमान करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, हमें नहीं करना चाहिए। किसी के भी अगर कोई आपके फेथ सिस्टम को छेड़ता है तो डेफिनेटली आप तैयार रहिए, रिपरकशंस होंगे ही होंगे। आप किसी के फेथ को उंगली करोगे तो आपका वो सामने वाला हो सकता है उंगली तोड़ दे। सो बी वेरी केयरफुल, ओके। सो आप फेथ सिस्टम को किसी के भी मत छोड़िए। मेरा फेथ पत्थर में हो सकता है, इफ़ यू लाफ एट दैट तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपका फेथ पॉटी में भी हो सकता है, पत्ती में भी हो सकता है, ठीक है। मेरा फेथ हो सकता है, मेरा फेथ पॉटी के कीड़े में भी हो और पत्ती में भी, फूल पत्तियों में भी हो। तो इफ यू लाफ एट दैट सो देन यू आर बेवकूफ, बिकॉज हो सकता है जो आपका फेथ सिस्टम है उस पर मुझे हंसी आ रही हो फिर। तो फेथ इज समथिंग वेरी सेंसिटिव, वन शुड नॉट मेस विद इट। सबके लिए लागू होता है, आप किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय से बिलीव करते हो, ताल्लुक रखते हो, आप किसी के धर्म को मत छेड़िए, कोई आपके धर्म को नहीं छेड़ेगा, सिंपल एज दैट। चलती हूँ, हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत।